बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्कार भाइयों, इस वक्त मौसमी मकई की जो फसल है ये 2 माह की हो चुकी है। सितंबर का महीना चल रहा है, मौसम में बहुत काफ़ी शिद्दत आ चुकी है, यानी गर्म मौसम हो चुका है। लेकिन आम तौर पर सितंबर गर्म नहीं होता, लेकिन इस साल क्योंकि सितंबर काफ़ी गर्म जा रहा है, तकरीबन टम्परेचर 38 से 40-41 तक जा रहा है, तो जिसकी वजह से फसल को गर्मी हीट वेव्स की वजह से, यानी कि हीट की वजह से पौधे को स्ट्रेस मिल सकता है। तो लिहाजा स्ट्रेस से बचाने के, पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए आपने एक तो इसके ऊपर गोब की हालत क्योंकि आने वाली है या आ चुकी होगी, तो आपने एक तो पोटाश खाद का इस्तेमाल करना है। कम से कम 12.5 किलो पोटाश SOP फ्लड करें, और साथ ही नाइट्रोजन आधा बैग कम से कम, और साथ ही आपने बोरान का इस्तेमाल करना है ताकि पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो, तो वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। दूसरा, पानी का वक्फा कम रखें ताकि उसके अंदर नमी बरकरार रहे, तो पौधा जो मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा फसल के ऊपर एक कीड़े का हमला और दूसरा एक बीमारी का हमला भी हो सकता है। इस गर्म शिद्दत वाले मौसम में स्टार्क राट की बीमारी है जो फसल के ऊपर आ सकती है। जैसे ये आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने थायोफेनेट मिथाइल का 800 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें, या बायर का प्रोडक्ट इलियट है वो एक पैक यानी 1 किलोग्राम वो फ्लड कर दें। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट, या आम फर्स्टाइल अल्मोनियम जो प्रोडक्ट है वो आपने 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करना है, तो स्टॉक की जो स्टॉक राट की बीमारी है इससे आपकी फसल महफूज हो जाएगी। दूसरा नंबर पे इसके ऊपर जैफर पेटल के नाम का कीड़ा होता है जो मिट्टी के अंदर पैदा होता है, जो पौधे की जड़ों को खा जाता है। तो जो पौधे की जड़ों को खाता है तो पौधा पूरा सूख जाता है, यानी इस वक्त पौधा छल भी निकल रहा है, साथ ऊपर से टसल यानी वो फूल भी निकल रहे हैं, तो पौधे कहीं कहीं पर पौधे सूख रहे हैं। तो कुछ ये फार्मर परेशान है, फार्मर भाई परेशान है कि ये क्या मसला है। तो अगर स्टार्क राट बीमारी होगी तो वो आपको उसकी जो नोड्स हैं जहाँ पे गांठ होती है वहाँ पे आपको जैसे सफ़ेदी सी फूफी सी नज़र आएगी, तो ये स्टार्क राट की बीमारी है, या आपको वो लाल सा नज़र आएगा तो वो स्टार्क राट की बीमारी है। तो उसके लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उनमें से कोई ज़रिए अद्वियात है वो इस्तेमाल करके आप स्टार्क राट की बीमारी के कंट्रोल से कर सकते हैं। लेकिन जो जैफर बीटल है ये आपकी फसल के जड़ के ऊपर हमला करता है, तो जड़ों को नीचे से खा जाता है तो पौधा सूख जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप फेप्रोनिल यानी रीजेंट को फ्लड कर सकते हैं, या क्लोर पेरीफास के 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करें, तो इस कीड़े से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, यानी इस कीड़े को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही था आज का मैसेज जिम्मेदार भाइयों के लिए। मजीद जरिए मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई जरिए मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना जरिए मार अतिक्रम।